सस्पेक्ट एक वर्ब है और इसका मतलब है शक करना। जैसे सस्पिशियस पीपल सस्पेक्ट एवरीवन, शकी लोग हर किसी पर शक करते हैं। सस्पेक्टेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मशकूक चीज़। किसी चीज़ वगैरह को अगर मशकूक कहना हो तो फिर वो सस्पेक्टेड है। लिहाजा सस्पेक्टेड ओपिनियन मेक्स मैन सस्पिशियस, मशकूक राय इंसान को शकी बना देती है। फिर एक लफ्ज़ है सस्पिशियस, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है शकी मिजाज कोई शख्स। लिहाजा सस्पिशियस पीपल ट्रस्ट डन, शकी लोग किसी पर नहीं इतबार करते। लफ्ज़ सस्पिशन एक नाउन है और इसका मतलब है सिर्फ शक। लिहाजा सस्पिशंस स्पॉइल रिलेशंस, शकूक ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं। लफ्ज़ सस्पिशन और डाउट में एक बड़ा फ़र्क है। किसी बुरी चीज़ का एहसास होना उसका मतलब सस्पिशन है, लेकिन लफ्ज़ डाउट का मतलब है बेयकीन होना, और ये उलट है लफ्ज़ शोर का, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पुरयकीन। लिहाजा जैसे हम कहते हैं नेवर डाउट बेनेफिसेंस ऑफ गॉड, खुदा की मेहरबानी या रहमत पर कभी बेयकीन ना हो, या हम कहते हैं ऑलवेज़ फील श्योर अबाउट बेनेफिसेंस ऑफ गॉड, खुदा की मेहरबानी पर ख़ुद को हमेशा पुरयकीन महसूस करो। ताहम ये जो लफ्ज़ सस्पेक्ट है ये नाउन भी है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में है। लफ्ज़ सस्पेक्ट का मतलब है मशकूक शख्स या दूसरे लफ्ज़ों में शामिल तफ्तीश। जैसे मोस्ट पॉलिटिशियंस आर सस्पेक्ट्स इन करप्शन केसेस, ज़्यादातर सियासतदान बदनवानी के मुकदमों में शामिल तफ्तीश हैं। इसी तरह लफ्ज़ एक्यूज्ड होता है, इसका मतलब नाउन है, ये एक नाउन है और इसका मतलब है सिर्फ मुलज़म। लिहाजा कोर्ट्स सेल्डम एक्विट मर्डर एक्यूज्ड, अदालतें कत्ल के मुलजमान को कम ही रिहा करती हैं। लफ्ज़ नाउन, लफ्ज़ कन्विक्ट एक नाउन है और इसका मतलब है सजा याफ्ता मुजरम जिसको अदालत से सजा हुई हो। लिहाजा ये वाला पॉइंट कि नो कन्विक्ट कैन होल्ड पब्लिक ऑफिस, कोई सजा याफ्ता अवामी ओहदा नहीं रख सकता, इसमें लफ्ज़ कन्विक्ट जो है वो एक नाउन है। लफ्ज़ क्रिमिनल एक नाउन है और इसका मतलब जराइम पेशा। जराइम पेशा शख्स जो है वो लाजमी नहीं है कि वो कन्विक्ट भी हो, लिहाजा फ्यू क्रिमिनल्स आर कन्विक्ट्स, चंद ही जराइम पेशा अफराद सजा याफ्ता हैं।